प्रॉपर्टी न्यूज तामीर से तकमील तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी न्यूज और मुझे कहते हैं एज यूजुअल शुमाइल नियाज, और हम हाजिर होते हैं ऐसी कारोबारी शख्सियत के साथ जिनके पास प्रॉपर्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, और हम ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक पहुंचाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीईओ मॉडल टाउन इस्लामाबाद जनाब मलिक ताहिर नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो इस्लामाबाद मॉडल टाउन के हवाले से हमारे व्यूवर्स को बताइएगा। जी, इस्लामाबाद मॉडल टाउन बैरियर इनक्लेव के बिल्कुल साथ है, और इसका जो राइट नो है वो 423 कनाल पे है ये, और इसकी प्रॉपर हमने CDS LOP अप्रूव कराई है। सारी गेटेड कम्युनिटी है, काफ़ी हद तक इसकी डेवलपमेंट हो चुकी है, लोग इसमें रह रहे हैं। पहले लैंड अपनी परचेज़ की है, फिर इसको बाउंड्री वॉल की है, फिर इसके इदारों से जो इसकी परमिशन होती हैं वो ली हैं, फिर हमने इसको डेवलप किया और फिर लॉन्च किया है। और जो इसमें एक और बहुत प्लस पॉइंट है वो ये है कि हमारे 5 मरले के घर के आगे भी 50 फुट वाइड स्ट्रीट है, यानी हमारी कोई भी घर की रोड, चाहे 5 मरला है, 8 मरला है, 10 मरला है, सबके आगे हमारी जो रोड है वो 50 फीट की है। तो ये एक बहुत बड़ा एज है, एक बहुत अच्छी लिविंग है, खुला खुला एटमॉस्फेयर है, मशरूम ग्रोथ नहीं है जिस तरह एक नॉर्मली 5 मरले की कम्युनिटी में होता है कि 20 फुट की रोड के ऊपर आप उन लोगों को घर देते हैं, तो वो काफ़ी मसाइल फ्यूचर में आते हैं। तो हमने इसको मैं अपनी लैंड यूजेज, तो इसमें काफ़ी आपकी लैंड जो है वो ज़ाया होती है, लेकिन ये कि लोग जो रहने वाले हैं वो आपको फ्यूचर में दुआएं देते हैं कि काफ़ी अच्छा आपने ये काम किए। लेकिन फ्यूचर में दुआएं तो मिलती मिलती हैं, लेकिन बहुतों को बददुआएं भी मिलती हैं। आपको तो कभी किसी ने बददुआ तो नहीं दी? जी इंशाल्लाह नहीं होगा, ऐसे इंशाल्लाह नहीं होगा। हाँ जी, काफ़ी एतमाद करते हैं लोग आप पर। जी देखें, चीज़ लोग एतमाद करते हैं कि आप उनको डिलीवरेंस आपकी क्या है। लोग क्या करते हैं कि अभी ज़मीन नहीं खरीदते और पहले बेचना शुरू कर देते हैं, तो हमारे पास तो जो कस्टमर आता है हम उनको ऑफिस की बजाय कहते हैं कि आप हमारी साइट पे आएँ, पहले आप हमारी साइट विजिट करें। अगर आप वो प्लॉट हमसे लें जिस प्लॉट पे आज की डेट में आप खड़े होकर कह सकेंगे ये प्लॉट आपका है, हम विदाउट नंबर या कोई ऐसी फाइल नहीं देते, हम प्लॉट देते हैं। और प्लॉट वही बंदा दे सकता है जिसके पास मौके पर लैंड मौजूद हो, और वो अगले बंदे से कहे जी ठीक है आप मुझे 50% भी डाउन पेमेंट दें और मैं आपको पोजीशन देता हूँ। सही, यहाँ पे तो लोग 100% पैसे दे चुके हैं लेकिन उनके पास आगे प्लॉट की लोकेशन करने के लिए कुछ नहीं होता, डिलीवर करने के लिए कुछ नहीं होता। आप कितने में दे रहे हैं 5 मरला? जी हमने जब ये स्टार्ट किया था आज से 1.5 साल पहले, तो उस वक्त 25 का था, लेकिन अब हम 35 लाख रुपीज का दे रहे हैं 5 मरला। कितने साल में? अराउंड 1.5 ईयर्स। काफी अच्छा मार्जिन जा रहा है वैसे। साफ जाहिर है जी, देखें जब हम लैंड बाइंग कर रहे थे उस वक्त लैंड की बाइंग डिफरेंट थी, अब लैंड की प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, फिर डेवलपमेंट कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई है, फिर हमारी साइजेज हैं, फिर हमारी अराउंड 45% यूजेज एरिया निकलता है। अगर हम 100 कनाल लैंड लें तो उसमें सिर्फ 45 कनाल हमारे पास बचती है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, बाकी रोड्स हैं, पब्लिक कम्युनिटीज़ हैं, पार्क्स हैं, मस्जिद है, उसमें हमारी लैंड कंज्यूम हो जाती है। तो अगर देखें तो अभी भी हम बॉटल नेक पर जा रहे हैं इस प्राइस के ऊपर भी। एक खास सवाल तो जो मैं हमेशा पूछती हूँ वो करना मैं आपसे भूल ही गई, आपका ये कैसे हादसा हुआ प्रॉपर्टी में आने का? या शौक था ज़ाती तौर पर, या पैसा ज़्यादा था इस काम में? नहीं, ये सारे फैक्टर्स अल्लाह ताला ने, खैर हर बंदे का एक ना एक काम में होता है। बेसिकली मैं पहले इस लैंड में था, इस लैंड से मुराद यानी लैंड का काम पहले से, जी लैंड से मुंसलिक थे, जी इस काम से मुंसलिक था, लेकिन हाउसिंग का प्रोजेक्ट करने की शौक़ था कि ये काम किया जाए और वेरी ऑनेस्टी के साथ किया जाए, और जितने डेवलपर्स के मसले मसाइल थे उन सबको देखते हुए सीखते हुए हमने कहा कोई ऐसी चीज़ बनाएं जो दूसरों से काफ़ी हटके हो। आप बिल्कुल ऑनेस्ट काम करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, कोशिश तो यही है। ऑनेस्टी इसमें सिर्फ एक है कि आप प्राइस जो ले रहे हैं, प्राइस भले आप इंक्रीज करें माहौल के मुताबिक, रूटीन के मुताबिक, जो जो महंगाई होती है आपने इंक्रीज करनी है, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप जिस बंदे से जो कमिटमेंट कर रहे हैं वो आप फुलफिल करें। आप एक बंदे से 5 मरला प्लॉट उसको बेच रहे हैं, 5 मरले के पैसे ले रहे हैं, आप उसे कह रहे हैं कि मैं आपको 2 साल में ये डिलीवर करूंगा, तो आप कोशिश करेंगे 1.5 साल में आप उसको डेवलप करके उसके हैंडओवर कर दें। रियल एस्टेट की मार्केट पर लोग ट्रस्ट नहीं करते, उसकी वजह ये है? उसकी वजह बिल्कुल है जी। इसमें अगर इस्लामाबाद में 40 प्रोजेक्ट हैं तो मेरे ख्याल है कुछ 10 ऐसे होंगे जो हर इदारे से अप्रूव्ड और वो ठीक हैं, बाकी 40 में से 10 ऐसे हैं। जी बिल्कुल ऐसे हैं। तो फिर 30 जो हैं वो कैसे इलीगल काम करते हैं? अब ये देखे ना, अब कितने टाउन यहाँ पे बने हुए हैं, ये तो अब आप, मैं अगर नाम लूंगा तो वो एक, आप अगर काउंटिंग शुरू कर दें खुद सुबह, एक लिस्ट बनाएं, आप एक सिरे से शुरू करें कि इस्लामाबाद में इतने प्रोजेक्ट्स हैं, फिर आप उनकी CD की वेब, बल्कि आप कहीं भी ना जाएं, आप घर बैठ के CD की वेबसाइट पर जाएं,
उसमें उन्होंने खुद दी हुई है लीगल हाउसिंग सोसाइटीज और अनलीगल हाउसिंग सोसाइटीज, उसमें आपके पास इतनी जो लीगल हैं वो आपकी एक सेकंड में खत्म हो जाती हैं, अनलीगल की आप लिस्ट गिने तो आपसे खत्म नहीं होगी। सही। तो अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, एक तरफ आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको भी अगर सामने रखा जाए, और दूसरा ये जो प्रॉपर्टीज के जो रेट्स हैं जो रोज परोज बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में आम आदमी को कहाँ खड़ा देखते हैं आप? नहीं देखें जी, इसमें तो डेवलपर का भी कसूर नहीं है। अब कोई भी चीज़, चाहे आप गाड़ी को ले लें, आप अगर एक साल पहले लेते होंडा सिविक थी वो 28 लाख रुपए की थी, आज वही गाड़ी 42 लाख रुपीज़ की, लेकिन उसको अफोर्ड तो वही लोग कर रहे हैं ना जो पहले गाड़ियाँ अफोर्ड कर रहे थे। इसमें भी इसी तरह ही है। अब पहले जो 5 मरले की कीमत थी 35 लाख रुपया, आज बेरी एनक्लेव से मैंने प्लॉट लिए थे 32 लाख रुपीज़ में 5 मरला, आज उसी की प्राइस 60 लाख रुपये। और लेकिन ये का प्लॉट 60 लाख रुपए, और उस पर अगर घर की कंस्ट्रक्शन करें तो आप पहुंच के 1.25 करोड़ पे। जी इसी तरह बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये अब डॉलर को भी हर चीज में हम नहीं लेके आ सकते कि प्लॉट महंगा हो गया तो डॉलर के इसमें दखल है, लेकिन ये तो एक इकोनॉमिक्स है, डिमांड और सप्लाई भी है उसके साथ भी ये एफिलेटेड हैं चीजें। ये जो प्रॉपर्टी के काम से लोग मुंसलिक होते हैं, बड़े पैसे वाले होते हैं वैसे, इसकी वजह क्या है? इतना पैसा कैसे कहाँ से आता है इनके पास? अगर मार्जिन थोड़ा बहुत रखते हैं, आप अपने घर का किचन चलाते हैं, आप अपनी जाती जरूरत को पूरा करते हैं, पर ये प्रॉपर्टी के काम से मुंसलिक बंदों के पास पैसा बहुत होता है, इतना मार्जिन कहाँ से निकालते हैं? बेसिकली एक चीज़ हाईलाइट हो जाती है और इजीली एक्सेसिबल है लोगों की अप्रोच में है, आप शुगर वालों को देख लें, सीमेंट इंडस्ट्री को देख लें, टेक्सटाइल को देख लें, तो छोड़े ना वो तो उसमें तो है, लेकिन प्रॉपर्टी के अंदर इसका मतलब ये भी एक बिजनेस है ना, बिजनेस तो है ऑब्वियसली। अब आपको अब देखें, एक सीमेंट का बैग है वो आपको मिलता है 600 रुपीज का, अगर आप उसकी कॉस्टिंग पे जाए तो उसकी कॉस्ट 100 रुपीज है, और यहाँ पर कॉस्ट आपको पड़ी है। अगर आपको कॉस्ट पड़ी, मिसाल के तौर पर पिछले दिनों किसी साहब ने मुझसे जिक्र किया कि आई गेस मानसिरा वाली साइड पे 10,000 रुपए किनाल जमीन मिल रही है। नहीं देखें वो अब आप मैं आपसे एक सपोज करने की बात कर रही हूँ, ठीक है, इसी तरह से किसी से भी एग्रीकल्चर लैंड ले ली जाती है, ठीक है, और उसी पर इतना ज्यादा प्रॉफिट कमा कर आगे बेचते हैं। ऐसे नहीं है सर, ऐसा कैसे नहीं है? अगर आप उन सोसाइटी चक्री वाली जगह पर जो सोसाइटीज हैं, नहीं मैं वही वही आपसे कह रहा हूँ कि आप एरिया वाइज उसको डिफरेंशिएट करें ना। अब इधर जहां पे हम सोसाइटी बना रहे हैं, यहाँ पे लैंड प्राइस है 40 लाख रुपीज पर कनाल, 40 लाख रुपीज पर कनाल में से आप उसका 45% यूजेज निकालें और फिर उसके डेवलपमेंट चार्जेस निकालें, अगर हम 35 के बेच रहे हैं तो हमारी कॉस्ट 32-33 लाख रुपीज होगी, और डे फर्स्ट एक बंदे ने पैसे इन्वेस्ट करने हैं सारे, और लेकिन उसको रिटर्न कितने अरसे में आना है? 3 साल में। मैं अगर आज भी एक प्लॉट बुक करता हूँ 20% से, तो मुझे उस बंदे ने पैसे कमिट तो मेरे साथ करने हैं 2 ईयर्स पे, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट को ले जाता है 3 ईयर्स पे, तो मेरी इन्वेस्टमेंट इतने पैसे तो अगर आप बैंक में भी रखें तो उससे ज़्यादा मैं वहाँ से मिल जाएँ। लेकिन ये सिर्फ लोगों को एक नज़र आता है कि जी इसमें बहुत पैसा है, इसमें सर्कुलेशन बहुत अच्छी है, लेकिन वो लोगों के पैसे होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये है कि अगर कोई कहे कि जी मुझे जो है ना वो प्लॉट लेना है या कोई प्लॉट मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो उसे पूछा जाता है कि जी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या रेजिडेंशियल पॉइंट प्लॉट चाहिए आपको, आप रहने के लिए लेना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इसका क्या वजह होती है? देखिए इसमें जो तो होता है इन्वेस्टर वो चाहता है कि मुझे शॉर्ट टर्म वेरी सून उस पर क्विक प्रॉफिट आ जाए, तो वो इतना जल्दी नहीं होता कि आज मैं कहूँ मेरे पास को बंदा है मुझे कहे जी आपने इन्वेस्ट करना है, मैंने इन्वेस्ट करना है, या मैं उससे यही सेम क्वेश्चन आप वाला पूछूं कि आपने इन्वेस्ट करना है या रहना है, जो कि किया भी जाता है जी। जिस बंदे ने रहना है उसको तो ठीक है, उसने एक 35 लाख रुपए खर्च किया है, ऊपर बनाएगा उसका एक घर उसका अपने रहने के लिए बन जाएगा, और दूसरी साइड पर जाएं एक बंदा आता है वो कहता है मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आज वो मुझसे 35 लाख रुपए का प्लॉट ले रहा है, तो वो मुझे साल बाद कहे कि जी आप मुझे इसका 50 लाख रुपया आएगा 45 आएगा, तो वो एक फोर सीन मेरे ख्याल कोई भी बंदा नहीं कर सकता। तो इसलिए जो रैश वाला होता है उसको तो पता है कि जी उसने अपने लिए लिया है वो तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट वाले को फिर बंदा उस वे से देखता है कि आया ये मैं ऐसी कोई कमिटमेंट ना करूं जो साल बाद मैं फुलफिल ना कर सकूं, जो मार्केट से फुलफिल ना हो। तो इसलिए वो बंदे का पहला क्वेश्चन ये ठीक होता है कि आपने अपने लिए लेना है या इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है, अपने लिए लेना हो तो फिर उसका डिफरेंट सिनेरियो होता है, और अगर इन्वेस्टमेंट के लिए हो तो फिर उसका डिफरेंट चीज़ें होंगी। गोइंग टू वाइंड अप विद दिस क्वेश्चन के आप प्रॉपर्टी का फ्यूचर कैसा देख रहे हैं, और अगर हमारे व्यूवर्स को हमारे चैनल के थ्रू कोई प्रोग्राम देना चाहें तो आप वो मैसेज भी दे सकते हैं। जी पिछला जो अगर देखें आप एक साल ये कोविड का और इसकी वजह से काफ़ी चीज़ें स्टक हुई हैं, तो इंशाल्लाह हम तो वैसे भी होप अच्छी करनी चाहिए, आई होप कि 2021 में प्रॉपर्टी का जो है बहुत अच्छा ईयर होगा, और साफ ज़ाहिर है जो लोग इससे वाबस्ते हैं वो तो अच्छी होप्स ही रख सकते हैं, बाकी अल्लाह ताला खैर करे सबके लिए बेहतरी हो, उम्मीद है कि इंशाल्लाह
कुछ दिनों में प्रॉपर्टी में बहुत बेहतरी आएगी, कुछ दिनों में बहुत बेहतरी आएगी। नाज़रीन, जो क्वेश्चन हमने किए उनके आंसर्स आपने हमारे चैनल के थ्रू सुने। मलिक साहब बहुत शुक्रिया, आप बहुत जल्दी में थे, हमने आपको इंतजार करवाया है, बहुत शुक्रिया जी, क्योंकि हमें यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि हम रास्ता भूल गए थे। नाज़रीन, आपसे जो है वो मुलाकात होगी अगली वीडियो में एक नई कारोबारी शख्सियत के साथ, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।